दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, पर्यटन मंत्री का बड़ा ऐलान, गया में इस बार लग सकता है प्रतिपक्ष मेला, पिंडदान व कर्म कांड की मिलेगी छूट। जी हां, प्रतिपक्ष 19 सितंबर से शुरू हो रहा है, मगर गया में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध प्रतिपक्ष मेले के आयोजन को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। पिछला बार भी कोरोना के कारण मेले का आयोजन नहीं हुआ था। हालांकि इस बार गृह विभाग की ओर से सार्वजनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन को सशर्त अनुमति मिलने से मेले की उम्मीद जताई जा रही है। इस बाबत पूछे जाने पर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि मेले को लेकर अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। प्रतिपक्ष मेला में अभी तक पखवाड़े का समय नहीं है, फिर भी उम्मीद है कि इस बार प्रतिपक्ष मेले का आयोजन हो जाना चाहिए। अभी कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है, जल्द ही मुख्यमंत्री के स्तर से इस पर निर्णय लिया जा सकता है। बड़ी खबर, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा, पटना में 1000 रुपये के आंकड़े के करीब। जी हां, सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों ने घरेलू के साथ ही कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि कर दी है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपये महंगा हो गया है, वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये तक की वृद्धि हुई है। इससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ गया है। 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस की कीमत 998 रुपये से बढ़कर 983 रुपये हो गई है। इसकी कीमत में 25 रुपये की वृद्धि हुई है। इसी तरह से नॉन डोमेस्टिक श्रेणी का 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर की कीमत में भी 353.50 रुपये से बढ़कर 362.50 रुपये हो गई है। इसकी कीमत में 9 रुपये की वृद्धि की गई है। बड़ी खबर, किताब खरीदने के लिए राज्य के 1,29,00,000 बच्चों को मिलेगी राशि, 1-2 दिन में अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर। जी हां, पहली से 8वीं क्लास तक के 1,29,00,000 बच्चों को किताब खरीदने के लिए शिक्षा विभाग ने 402 करोड़ रुपये भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। डीबीटी के जरिए बच्चों के अकाउंट में यह राशि डायरेक्ट भेजी जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा यह राशि भेजी जाएगी। पहली से चौथी क्लास तक के छात्र छात्राओं को 250 रुपये और 5वीं से 8वीं कक्षा के छात्राओं को 400 रुपये बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध होंगे। अगली बड़ी खबर, अब मात्र 25 रुपये में पूरे दिन करे पटना की सैर, डिजिटल टिकट लेने पर 5% डिस्काउंट। जी हां, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यात्री सुविधा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहा है। अब उसने एक दिन विशेष पास की सहूलियत कर दी है। कोई भी व्यक्ति कंडक्टर अथवा निगम के काउंटर पर 25 रुपये का एक दिन पास बनवा सकता है। यह सुविधा निगम की नगर सेवा की बसों पर उपलब्ध होगी। बिहार शरीफ अथवा हाजीपुर जाने वाले बसों के लिए यह पास मान्य नहीं होगा। राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर ने बताया कि निगम की ओर से डिजिटल सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सेवा के तहत निगम की ओर से हर बसों में QR कोड लगाया गया है, इसके जरिए भुगतान कर यात्रा की जा सकती है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन डिजिटल टिकट बुक करने पर भाड़े में 5% छूट दी गई है। इतना ही नहीं, निगम की ओर से प्रीपेड कार्ड की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। प्रीपेड कार्ड से टिकट लेने पर भी 5% डिस्काउंट की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर, अगले सप्ताह शुरू होगी वैशाली और बोध गया के लिए 2-2 इलेक्ट्रिक बसें। जी हां, वैशाली और बोध गया के लिए 2-2 इलेक्ट्रिक बसें अगले सप्ताह से शुरू होगी। वैशाली जाने वाले दोनों बसें बुद्ध सर्किट से होते हुए दरभंगा तक जाएगी। पटना से हाजीपुर, लालगंज वैशाली होते हुए मुजफ्फरपुर और वहां से दरभंगा तक ये दोनों बसें जाएगी। ये दोनों बसें उन दो बसों से अलावा होगी जो अभी NH28 यानी कि भगवानपुर होते हुए चलती है। इस प्रकार दोनों बसों के चालू होने के बाद बसों की संख्या 4 हो जाएगी। इसी तरह राजगीर रूट पर भी 2 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होगी जो राजगीर होते हुए बोधगया तक जाएगी। इस प्रकार इस रूट में भी कुल 4 इलेक्ट्रिक बसें हो जाएगी।
बड़ी खबर, बिहार में फिर से शुरू होगी तेज बारिश का सिलसिला, पटना में भी बदलेगा मौसम। जी हाँ, बिहार में मानसून लगातार बारिश कर रहा है। इस हफ्ते मानसून की ट्रफ लाइन बिहार से बाहर शिफ्ट होने के कारण बारिश का सिलसिला थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहने वाली है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 3 से 5 सितंबर के बीच राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश से अच्छी बारिश हो सकती है। राज्य के उत्तरी भाग में 3 सितंबर को भारी बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। खासकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 4 सितंबर को समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण एवं सिवान में भारी बारिश की उम्मीद है। इसी तरह 5 सितंबर को पश्चिमी चंपारण, अररिया और किशनगंज में भी ऐसे होने की संभावना है। 30 सितंबर को ही पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर एवं खगड़िया में मेघ गर्जन एवं बिजली चमकने की आशंका है। 3 सितंबर को मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश भाग के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तरफ बिहार में कम नहीं हो रहा बाढ़ का संकट, 10 प्रमुख नदियां अब भी लाल निशान से ऊपर। जी हां, उत्तर बिहार व कोसी क्षेत्र में बाढ़ का संकट कम नहीं हो रहा है। नेपाल से निकलने वाली अधिसंख्य प्रमुख नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही है। पटना के हाथीदह में पहले से ही लाल निशान से ऊपर बह रही गंगा पटना में एक बार फिर लाल निशान से ऊपर चली गई है। अब भी इस नदी का बक्सर को छोड़कर राज्य के सभी स्थानों पर बढ़ना जारी है। बुधवार को भी राज्य में 10 प्रमुख नदियां लाल निशान से ऊपर है। गंडक का डिस्चार्ज बुधवार को वाल्मीकि नगर बराज पर घटकर 2,09,000 घनसेक है, लेकिन यह नदी गोपालगंज में भी लाल निशान से 161 और मुजफ्फरपुर में 77 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ बागमती नदी शिवहर में 36, मुजफ्फरपुर में 131 और दरभंगा में 146 सेंटीमीटर लाल निशान से ऊपर है। बूढ़ी गंडक समस्तीपुर में लाल निशान से 46 और रोसड़ा में 126 तथा खगड़िया में 92 सेंटीमीटर लाल निशान से ऊपर है। अधवारा सीतामढ़ी के सुंदरपुर में 140 सेंटीमीटर, महानंदा पूर्णिया में 25 और घाघरा सिवान में 23 सेंटीमीटर ऊपर है। कमला झंझारपुर में लाल निशान से 120 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन आज से 24 सितंबर को, मतदान के लिए अधिसूचना जारी। नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले होंगे पंचायत चुनाव, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे बाद में। जी हां, बिहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंड के 159 पंचायतों में मतदान होगा। चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने पहले चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव संपन्न कराने की कोशिश की है। नक्सल प्रभावित होने के कारण कई पंचायतों में शाम 4 बजे तक की वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने पहले चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव संपन्न कराने की कोशिश की है। सबसे बाद में बाढ़ प्रभावित प्रखंड में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में 8 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 13 सितंबर तक नामांकन पत्र की वापसी होगी और उम्मीदवारों को 13 सितंबर को ही सिंबल जारी किया जाएगा। वोटिंग 24 सितंबर को होगी और मतगणना 26 से 27 सितंबर को होगी। बिहार के 20 टीचर को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित, 10 महिला शिक्षक को दिया जाएगा पुरस्कार। जी हां, बिहार सरकार ने बुधवार को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। इस बार राज्य सरकार 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेगी, जिसमें 10 महिला शिक्षक शामिल है। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस के दिन बिहार के इन 20 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सूबे के विभिन्न स्कूलों में पद स्थापित 20 शिक्षक और शिक्षिकाओं को चयनित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि पुरस्कार वितरण के लिए जगह के बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से इन्हें सूचना दी जाएगी। पुरस्कार पाने वाले में पटना, मधुबनी, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, जहानाबाद, चंपारण, भागलपुर, सुपौल, नालंदा, दरभंगा, बेगूसराय और नवादा जिले के शिक्षक और शिक्षिका शामिल है। बड़ी खबर, गंडक नदी के रौद्र रूप से गोपालगंज में तबाही, 10,000 से अधिक घरों में घुसा बाढ़ का पानी। जी हां, गंडक नदी के बड़े जलस्तर से गोपालगंज जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से
बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। पहले से बाढ़ प्रभावित गांवों के सामने अब और अधिक विकट स्थिति पैदा हो गई है। गंडक का पानी करीब 10,000 घरों में घुस चुका है। आपको बता दें कि नेपाल में बारिश थमने के बाद वाल्मीकि नगर बराज से पानी के डिस्चार्ज में कमी आ रही है। बराज के बाद सहायक नदियों में आए तूफान के कारण गंडक का गोपालगंज में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के लेवल के बढ़ने के पीछे गंगा नदी में आए उफान को माना जा रहा है। बड़ी खबर, बोध गया, नालंदा, राजगीर और बेतिया में बनेगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पर्यटन केंद्र। बिहार में पिछले 5 वर्षों में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में कोरोना के बाद दोबारा से पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने बोधगया, नालंदा, राजगीर व बेतिया में पर्यटन केंद्र को बेहतर और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया है, ताकि पर्यटन को इन इलाकों में घूमने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पर्यटन केंद्र को अत्याधुनिक करने से देश विदेश से बिहार आने वाले लोगों को सभी सुविधाएं मिलेगी। वहीं उस क्षेत्र की पूरी जानकारी और वहां की लोकल संस्कृति के बारे में लोगों को बताया जाएगा, ताकि उस क्षेत्र के बारे में लोगों को जानने समझने में कोई परेशानी ना हो। बड़ी खबर, दरभंगा मधुबनी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, बिल में गड़बड़ी की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी, अधिकारियों और कार्यालयों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। जी हां, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने दरभंगा और मधुबनी के अपने उपभोक्ताओं के लिए बुधवार को बड़ी सुविधा दी है। अब बिजली उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर अधिकारियों और कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसीलिए विभाग ने बड़ी पहल की है। अब उपभोक्ता अपने बिल संबंधित शिकायत व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए विभाग ने बुधवार को व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। दरभंगा के विद्युत अधीक्षक अभियंता सुनील कुमार दास के द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में विभाग का व्हाट्सएप नंबर 6287-42842 जारी किया गया है। यह नंबर अंचल स्तर पर दरभंगा और मधुबनी के उपभोक्ताओं के लिए जारी किया गया है। बड़ी खबर, बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए बनाया एक खास प्लान, परिवहन और सड़क विभाग इस पर मिलकर करेगा काम। जी हां, सड़क दुर्घटना कम करने के लिए राज्य भर की व्यस्त सड़कों पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। इसमें उन इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां सड़क पैदल पार करने के क्रम में सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। भविष्य में उन स्थानों पर पैदल पार करने के दौरान सड़क दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही FOB बनाने की शुरुआत कर दी गई है। FOB के निर्माण की शुरुआत पटना जिले से होगी। इसके बाद राज्य के अन्य जिलों में भी स्थल चिन्हित कर FOB बनाया जाएगा, खासकर वैसे जिले जहां 2019 की तुलना में 2020 में सड़क दुर्घटना में वृद्धि हुई है, उन जिलों में FOB बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। नालंदा, जहानाबाद सहित ऐसे जिलों की संख्या 11 है। और अंत की बड़ी खबर, जमीन खरीद बिक्री के लिए नीतीश सरकार एक और बड़े फैसले की तैयारी में, सरकारी वेबसाइट के जरिए खरीद या बेच पाएंगे। जी हां, राज्य में अमीन से जुड़े मामले को लेकर नीतीश सरकार लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है। सरकार ने हाल ही में कई बड़े फैसले किए हैं और अब एक बड़े कदम की तैयारी है। प्रदेश के अंदर जल्द ही सरकारी वेबसाइट के सहारे जमीन की खरीद बिक्री हो सकेगी। किसी व्यक्ति को अगर अपनी जमीन बेचनी है तो उसका ब्यौरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर देना होगा। खरीदार भी लोकेशन के आधार पर जमीन की जरूरत के बारे में पोर्टल पर बताएंगे। इस तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर खरीद और बिक्री दोनों की जा सकेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर चुका है। नीतिगत सहमति के बाद इसके लिए पोर्टल की शुरुआत कर दी जाएगी। आज के लिए आपका सवाल बताए कि गया में होने वाला प्रतिपक्ष मेला का आयोजन इस बार होना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।